करता हूँ, खास करके जो जवान लोग हैं जिनका शादी नहीं हुआ है और आप शादी करने पर हैं। अगर आप कोई ऐसे लड़की या लड़के को ढूंढ रहे हैं, आप कोई ऐसे लड़की या लड़के को देख रहे हैं जो बहुत खूबसूरत है या शायद पैसे बहुत अच्छे से कमाता है, उसको कपड़े पहनने का बहुत अच्छा ढंग पता है या वो स्टाइलिश है, उसके पास अच्छा बाइक है और बाइक 180 के स्पीड में वो चलाता है, या जो भी चीज़ों को आप देख रहे हैं, आपको मैं कहना चाहता हूँ ना, अगर आप इन चीज़ों के पीछे अगर है तो एक दिन आप बहुत ज्यादा पछताओगे। मैंने ऐसे सैकड़ों लोगों को देखा है, हजारों को, लेकिन कम से कम 100 से ज्यादा लोगों को मैंने देखा है, शादी करते हुए, लड़ते हुए, झगड़ते हुए, मारपीट करते हुए, अलग रहते हुए, और बहुत सारी गलत बातों को मैंने उनके जीवन में देखा है। क्योंकि एक समय कहते थे हमारे पूरे एरिया में इसके जैसा कोई हैंडसम नहीं है, हमारे पूरे एरिया में इसके जैसे कोई सुंदर नहीं है, और जब ये हैंडसम और ये सुंदर जब ये मुलाकात करते हैं, जब इनका शादी होता है, उसके बाद में बहुत सारी विपत्ति जो है ना पूरे एरिया को पता चलते कि ये लोग सच में कितने भयंकर है। क्योंकि इन्होंने क्या किया, इन्होंने अपना प्रेम किसी ऐसे चीजों में ढूंढना चालू किया जो चीजें खाली है। अगर आप सच में आपका जीवन बेहतर तौर पर बिताना चाहते हैं, ढूंढो उस लड़के को, ढूंढो उस लड़की को जो सच में परमेश्वर में समर्पित है, जो सच में परमेश्वर से प्रेम करते हैं, जो सच में परमेश्वर के अधीन है, जो सच में परमेश्वर के वचनों का पालन करते हैं, जो सच में अपने मां बाप का आदर करते हैं। क्योंकि यही लोग शायद आपका जीवन भर साथ दे सकते हैं और आपको बेहतर रख सकते हैं। अगर आप सुंदरता में जाएंगे, अगर आप उनके दिखावट पर जाएंगे, अगर आप उसके स्टाइलिश में जाएंगे, तो आप बहुत बड़े गलती कर रहे हैं, बहुत बड़ा गलती कर रहे हैं। अगर आप ऐसे व्यक्ति से मुलाकात करते हैं जो सच में समर्पित है प्रभु के प्रति, जो सच में वचन का आज्ञा पालन करता है, वो व्यक्ति बहुत अव्वल दर्जे पर रहेगा आने वाले दिनों में। इसलिए ऐसे कोई व्यक्ति को नहीं देखे, ऐसे कोई व्यक्ति से बातें नहीं करे, ऐसे कोई व्यक्ति से जुड़े नहीं जो प्रभु को नहीं मानता हो। कुछ लोग कहते हैं, नहीं पास्टर, हम तो शादी करेंगे तो चर्च में ही करेंगे। चर्च के लोगों से भी आपको बहुत बड़ा खतरा है। चर्च एक अस्पताल है और इस अस्पताल में सभी मरीज ठीक नहीं होते हैं। चर्च एक अस्पताल है जहां पर तरह तरह के मरीज आते हैं, और आपने गलती से कोई गलत मरीज से शादी कर लिया, माय गॉड, आपको पूरा जिंदगी भर उनको संभालना होगा। तो चर्च में जब आप, मैं उत्साहित कर रहा हूं और मैं आपको बताना चाहता हूं कैसे आप आपके जोड़ीदार को ढूंढ सकते हैं। अगर कोई लड़की और कोई लड़का चर्च का पसंद है, आपको क्या चेक करना है मालूम है? आप देखो कि वो टाइम पर आता है क्या। अगर वो टाइम पर नहीं आता है, उसका नंबर लास्ट रखो कि नहीं यार, इसके बारे में सोचना पड़ेगा। आप देखो कि वो सच में प्रभु के वचन को अपने जीवन में लागू करता है क्या। देखो वो काम करता है क्या, वो सच बोलता है क्या, उसके माता पिता, उसके परिवार वाले उसके बारे में क्या बात करते हैं, उसका पास्टर उसके बारे में क्या बात करता है, उसके चर्च के लोग उसके बारे में क्या बात करते हैं। आपको ये सब चीज नोटिस करना है। केवल वो अच्छा है और वो गिटार अच्छा बजाता है, या फिर वो गाता बहुत अच्छा है, या फिर उसके बाल बहुत अच्छे, वो स्टाइलिश है,
उसको 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 बहुत अच्छा कपड़ा पहनना आता है, यही चीज मत देखो। अगर आप ये चीज देखेंगे तो आप फंस जाएंगे, क्योंकि बेचारे ऐसे बहुत सारे लोग फंस गए हैं। तो आपको देखना है क्या कि क्या वो वक्त में आता है, क्या वो प्रभु से डरता है, और तब जाकर आप उन्हें अप्रोच कर सकते हैं या आप उन्हें चूज कर सकते हैं। अगर आप को कोई लड़की पसंद है चर्च में और आपको लगता है कि नहीं अब ये शादी का मेरा उम्र हो चुका है और मुझे बस शादी करना है, आप क्या देखना चाहिए? सेम चीज, क्या वो चर्च आती है समय पर? अगर आप देखते हैं चर्च का टाइम 10 बजे का है और वो 10:30 बजे आती है, उसका नंबर सबसे लास्ट में रखो, वो फेथफुल नहीं है। आप देखो क्या वो लड़की घर पे काम करती है। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अगर वो घर पे काम नहीं करती है, उसको आपके लाइफ से कभी नहीं जोड़ना, क्योंकि वो सबसे बड़ा प्रॉब्लम आपके जीवन में क्रिएट करेगी। आप कहें क्या पास्टर आप ऐसे बात कर रहे हैं, हम तो जॉब पर जाते हैं, घर पे काम कैसे करें? आपको घर का सारा काम करना है, अगर आपको जॉब पर जाना है तो भी आपको आपका घर का काम खत्म करना चाहिए, क्योंकि उसी तौर पर बनाया गया है, उसी तौर पर परमेश्वर ने निर्माण किया है। आप अगर क्लोज है, आप जाकर घर विजिट कर सकते हैं उनका, कि वो घर पर चीजें कैसे करते हैं। जब आप घर पर गए तो क्या उनकी माँ या उनके पिताजी या फिर उनके जो घर पे बुजुर्ग है, वो लोग आपके लिए कुछ बना कर देते हैं, या वो लड़की जिम्मेदारी लेती है बनाने का? आपको इन चीजों को नोटिस करना है। जो लड़की चर्च में फेथफुल है, टाइम पर आती है और घर संभालती है, इसका मतलब है वो लड़की बहुत अच्छी है। आप सोच सकते हैं उस लड़की के बारे में। आपको लड़की पसंद आई, उसको अप्रोच मत करो, आप उसके माँ बाप को अप्रोच करो, उसके परिवार वालों को अप्रोच करो, उसके पास्टर को अप्रोच करो। शादी मैं इसलिए ये बता रहा हूं क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग शायद इस साल या अगले साल या फिर उसके अगले साल आप सोच रहे हो शादी करने के बारे में। आप जब शादी करना चाहते हैं, याद रखिए, मैं लोगों को उत्साहित करता हूं, लगभग 6 महीना या साल भर का गैप ठीक है, उससे ज्यादा नहीं। आपको शादी करना है 2035 में, आप लड़का लड़की ढूंढेंगे 2025 में, मतलब 10 साल का गैप। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, मैं ऐसे बहुत सारे लोग को जानता हूं, बहुत सारे लोगों को, इनका शादी कभी सक्सेसफुल नहीं रहा है, इनका शादी कभी सक्सेसफुल नहीं रहा है। अगर आप शादी करना चाहते हैं, लगभग 6 महीना 1 साल का गैप बहुत हो गया। आप एक दूसरे को जानो, एक दूसरे से आप बात कर सकते हैं, आपका परिवार कभी उनके पास गया उनके घर में मिलने के लिए, उनका परिवार कभी आपके पास आया मिलने के लिए, और उसके बाद आप तय कर सकते हैं, आप डिसाइड कर सकते हैं। लेकिन ये चीज याद रखना, जो व्यक्ति प्रभु को नहीं मानता है, जो व्यक्ति प्रभु का वचन अनुकरण नहीं करता है, जो व्यक्ति चर्च में फेथफुल नहीं है, ऐसे लोगों का नंबर भी अपने फोन पर नहीं रखना। क्यों? क्योंकि ये लोग आपको प्रभु से दूर लेकर जाएंगे। जो लोग कारण देते हैं, ब्रदर आज चर्च में क्यों नहीं आए, मैं थोड़ा बीमार था, लेकिन चर्च खत्म होने के बाद आप देखेंगे वो आपको शायद किसी होटल में मिलेंगे या फिर अलग जगह पे मिलेंगे। मैंने ऐसे बहुत सारे लोगों को देखा है। मैंने एक भाई को पूछा कि आप चर्च क्यों नहीं आए, उन्होंने कहा मेरा तबीयत ठीक नहीं था। फिर चर्च खत्म होने के बाद मैं एक होटल में खाना खाने गया मेरे फैमिली को लेकर, वो व्यक्ति वहीं पर पार्सल लेकर खड़ा था। मैंने कहा आपने झूठ बोला है। ऐसे लोगों पर आप भरोसा नहीं कर सकते, ऐसे लोगों पर आप विश्वास नहीं कर सकते। मैं भाई नील से मैं बात कर रहा था, मैंने कहा कि चर्च में खाली एक व्यक्ति को छुट्टी नहीं होता और एक व्यक्ति बीमार नहीं पड़ता, बाकी सब बीमार पड़ते हैं। एक ही व्यक्ति बीमार नहीं पड़ता, वो है पास्टर, बाकी सब बीमार पड़ते हैं। आपको मैं कहना चाहता हूं, हम बहाना नहीं कर सकते। देखो, आप जब बीमार पड़ते हैं, चर्च एक ऐसा जगह है जहां पर परमेश्वर ठीक कर सकता है आपको।
लेकिन हम क्या करते हैं, हम रीजंस बनाते हैं, हम कारण बनाते हैं। लेकिन याद रखिए, परमेश्वर ने कोई कारण नहीं बनाया कि थोड़ा चीजें ठीक हो जाए, लोग सुधर जाए, लोग विश्वास में बढ़ने लगे, लोगों का ध्यान मुझ पर हो, फिर जाकर मैं अपने पुत्र को भेजूंगा। उन्होंने कोई कारण नहीं रखा। उन्होंने देखा कि पृथ्वी बहुत बेकार हो चुकी है, अब ये समय है कि मैं अपने पुत्र को भेजूं और लोगों को बताऊं कि मैं उनसे कितना प्यार करता हूं। और परमेश्वर ने अपने प्रेम को हमारे जीवन पर प्रकट किया है। अगर परमेश्वर का प्रेम हमारे जीवन पर प्रकट नहीं होता तो शायद आज हम कहीं और होते, लेकिन परमेश्वर ने अपने प्रेम को हमारे जीवन पर प्रकट